इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। We want justice. 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 ये सलमान जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये सलमान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। Something special, down down, down 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 down. MP government, down down, down 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 down. इसके लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, इसके लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हमको चाहिए पेंशन, नहीं चाहिए पेंशन। हमको चाहिए पेंशन, नहीं चाहिए पेंशन। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। सेम बिजनेस, सेम सेम, दिस अमेंडमेंट, सेम सेम, दिस अमेंडमेंट, सेम सेम, आवाज दो, आवाज दो। मैं वसी अहमद जनरल सेक्रेटरी आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप देश के कोने कोने से इस 8 सूत्री मांगों के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके जमा हुए हैं और एक अन्याय के खिलाफ, एक इंजस्टिस के खिलाफ, जिसमें आपके पे से रिलेटेड इशू हैं, जिसमें आपके प्रमोशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसमें आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसमें आपके बीएसएल के उत्थान को लेकर के इश्यूज हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर एक मोटिवेटेड एम्प्लाई है, एक मोटिवेटेड आदमी है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तभी वो अपने आप को 100% कंट्रीब्यूट करके बीएसएल को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर सकता है। अगर असंतोष होगा लोगों में, अगर असंतोष होगा एम्प्लाईज में, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और आज हम इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो 8 सूत्री मांगे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सीधे आए और दिल्ली में बैठ गए और हमारे हजारों हजार लोग हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आ गए। इसके पीछे हमने 2 साल लगातार 2 साल तक मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की है, डायलॉग के थ्रू, एमिकेबल सॉल्यूशन के थ्रू हमने इन मुद्दों पे सहमति लाने की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े रिवाइवल पैकेज आए, बड़े बड़े डिसीजन बीएसएनएल में हुए, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के लेकर के, ह्यूमन रिसोर्स के उत्थान को लेकर के, ह्यूमन रिसोर्स के पे के इशू को लेकर के, ह्यूमन रिसोर्स के प्रमोशन के इशू को लेकर के, उनके पेंशन को इशू को लेकर के, कभी भी बीएसएनएल मैनेजमेंट के कोई भी एक कदम नहीं उठाया जिससे कि लोगों में एक विश्वास पैदा हो सके। आज ये वही लोग हैं, आज ये वही लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने जब 78,000 एम्प्लॉइज रातों रात बीएसएनएल से वीआरएस के माध्यम से चले गए, जो कि मोर देन 50% था, किसी भी सर्विस सेक्टर में, किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50% लोग चले जाते हैं तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी पूरी तरह बैठ जाती है। लेकिन ये लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने कांधों पे सभी कामों का बीड़ा उठाया और बीएसएनएल की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको पूरी तरह सुचारू रूप से न चलाया बल्कि अपने पॉकेट से पैसे लगाए। अगर आप याद करें, 1 फरवरी 2020 को जब 78,000 लोग चले गए थे, जब इस कंपनी में सैलरी भी समय पे नहीं मिलती थी, जब इस कंपनी में रिसोर्सेज भी समय पे नहीं मिलते थे, जब इस कंपनी में काम करने वाले ठेके पे काम करने वाले लोगों को पैसे नहीं मिलते थे, बैटरी नहीं मिलती थी, एडवांस नहीं मिलता था, पावर प्लांट नहीं होता था, केबल नहीं होती थी, टायर नहीं होते थे, टेलीफोन नहीं होते थे, उस समय ये लोगों ने अपने कमाई के, अपने सैलरी के, अपने बाल बच्चों के जो पैसे थे उनको निकाल करके इसी सिचुएशन में लगाया। तो हम ये मानते हैं कि हमारा ब्रेड एंड बटर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम प्यार करते हैं। बिल्कुल, अगर कोई भी मैनेजमेंट होते तो आपको इसके बदले रिवार्ड देती, आपको एक्नॉलेज करती और आपके इश्यूज को बुला के सेटल करती। लेकिन जो आपके इंटाइटल्ड बेनिफिट थे, जो पिछले 20 वर्षों से लंबित हैं, उनको भी इस मैनेजमेंट ने पूरी तरह नकार दिया। आज इस मांग के लिए आज हम इस मुद्दे पे यहाँ पे जुड़े हैं, जिसमें कि हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। हमारे लोग जो बीएसएनएल में 2007 के बाद आए,
आज 15 साल आने के बाद भी सेकंड पीआरसी उनके पे का इशू E2 E3 सेटल नहीं हुआ। आज वो लोग जो हर डिपार्टमेंट ने पीआरसी की जो भी एवरेशन थी उसको सेटल करके नेक्स्ट हायर स्केल दिया, लेकिन आज डीओटी और बीएसएल के मिलके ये गेंद की तरह कभी इस पाले से उस पाले, कभी उस पाले से इस पाले, पिछले 15 सालों से हमारे लोग नीचे स्केल E1 और E2 पे काम कर रहे हैं। जो लोग एक करार के तहत 9850 पे आए इस विभाग में, अगर उनको सेकंड पीआरसी नहीं देके फर्स्ट पीआरसी दे रहे होते 9850 पे रखते और पिछला फर्स्ट पीआरसी का आईडी दे रहे थे, तो आज की डेट में जो उनकी सैलरी मिल रही है उस सैलरी से उन्हें 10 से 15 हजार रुपए अधिक मिल रहा होता। आज उनके 22820 की जो डिमांड है, पिछले लगातार 15 बार परसों से किसी न किसी कारण से कमेटी की वजह से धकेली जा रही, ये लास्ट पायदान पे ली जा रही, आज तक वो सेटल नहीं हुई, जबकि ये पूरी तरह बीएसएनएल मैनेजमेंट के पक्ष में था, इसमें किसी डीओटी भी जाने की जरूरत नहीं थी। आज बीएसएनएल में जेटीओ या जीओ के पद पे जो लोग आते हैं, अलग अलग समय पे आए हुए लोग, जो 2009 में आए, 10 में आए, 11 में आए, 13 में आए, 14 में आए, 16 में आए, 18 में आए या 20 में आए, शायद ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है कि अलग अलग समय पे आए हुए एक ही पोस्ट पे आए हुए लोगों को 5 अलग अलग तरह की बेसिक दी गई। कोई 22820 में है, कोई 19020 पे है, कोई 18500 पे आता है, कोई 17400 पे आता है, तो कोई 16400 पे आता है। क्या ये विडंबना नहीं है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है, एक ऐसा पीएसयू है जो कभी अपने आप में सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस सोने की चिड़िया के जो बच्चे हैं उनकी क्या हालत है? आज वो पैसे के लिए तरस रहे, आज वो प्रमोशन के लिए तरस रहे, आज वो पेंशन बेनिफिट के लिए तरस रहे। आज इसी कंपनी में 22 साल होने के बाद भी, आज 22 साल होने के बाद भी अपना मैनेजमेंट नहीं है। आपने ऑल इंडिया से जो बेहतरीन टीम था उसने आपने टेलीकॉम में, फाइनेंस में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, आर्किटेक्चर में जो बेस्ट टैलेंट था आपने उठाया। बीटेक के वे लड़के जो कहीं भी जाते तो एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन पाते, एक अच्छा पैकेज पाते, एक अच्छी सैलरी पाते, वो लोग सारी नौकरियों को छोड़कर बीएसएनएल को देश की सेवा में आ गया है, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है, हम देश की सेवा करेंगे। आज उनकी हालत आपने ऐसी बना दी है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो निचले स्तर का कर्मचारी है उनसे भी बुरी उनकी हालत हो गई है। आज 15 सालों से लोग एक पद पे बने हुए हैं, पिछले 22 सालों में आपने केवल एक प्रमोशन दिया है, और उनके समकक्ष जो लोग भी दूसरे पीएसयू में गए आज 4 से 5 प्रमोशन लेकर के 3 से 4 तो हर एक आदमी लिया, चाहे वो एनटीपीसी गया, चाहे आईओसीएल गया, चाहे किसी भी दूसरे पीएसयू में गए, 3 से 4 प्रमोशन तो हर आदमी ने लिए, लेकिन आज आपके विभाग में आने के 22 साल के बाद भी लोग केवल एक प्रमोशन लेके चल रहे हैं। आप कहते हैं हमारे पास मिडिल मैनेजमेंट नहीं है, बीआरएस के पास खाली हो गया है, लोग 12-12, 15-15, 10-10 साल से एसडी के पद पे बैठे हुए हैं, आप उनके चाहे तो एक झटके में एजीएम बना के मिडिल मैनेजमेंट को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये मंशा नहीं है। आज आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, आज आपके पास डेट से जेटीओ आते हैं, सीए के हुए जे आते हैं, लेकिन आप उनकी जो क्षमता है उस क्षमता को यूज नहीं करना चाहते हैं। किसी न किसी तरह से ये कोशिश की जाती है कि बीएसएनएल हमेशा डीओटी की तरफ देखता रहे, बीएसएनएल हमेशा उस मैनेजमेंट की तरफ देखता रहे जो हम डीओटी से लेके आते हैं, कभी भी बीएसएनएल में रिक्रूट हुए और एग्जीक्यूटिव को इस मौके पे लाने की कोई कोशिश नहीं हुई। बातें कई बार हमारी मैनेजमेंट मेरिटोक्रेसी की करती है, लेकिन जब भी कोई उनका डिसीजन होता है वो डिसीजन हमेशा मेरिटोक्रेसी को एक अगेंस्ट में होता है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब उनकी सीनियरिटी को वैकेंसी से हटा करके डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे कर दिया गया। उसी तरह हमारे सुपर एनुएशन का मामला है, सुपर एनुएशन मामले के मामले में आप जानते हैं कि जब बीएसएनएल बना उस समय गैजेट नोटिफिकेशन में लिख के आया कि जो डीओटी से लोग एब्जॉर्ब है उनको 37A के तहत पेंशन दी जाएगी, लेकिन उसी गैजेट में ये भी लिखा हुआ था कि बीएसएनएल को चलाने के लिए बीएसएनएल को अपने लोग भी रिक्रूट करने पड़ेंगे, उनके सोशल सिक्योरिटी का क्या? उस गैजेट नोटिफिकेशन में लिखा कि इनके लिए भी पेंशनरी मैकेनिज्म बनेगी, एक सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी। वो क्यों होगी? इसलिए कि अगर कल को एम्प्लॉय रिटायर कर जाएगा, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से उस एम्प्लॉय के साथ कोई दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसकी विधवा होगी, उसका काम चल सके।
क्या आपको मालूम है इस कोरोना काल में लगभग 325 लोग काल के गाल में समा गए इसी BSNL में। जिस देश में लाखों लोग मरे उसमें 325 लोग इस BSNL में भी काल के गाल में समा गए। उस 325 लोगों में 200 लोग BSNL के द्वारा रिक्रूटेड भी थे। आज आप उनके परिवार का हाल जाके पूछिए, आज उनके बच्चे, आज उनकी विधवाएं 2 जून की रोटी के लिए, 1 क्लास में पढ़ाने के लिए और छोटे से मेडिकल बेनिफिट के लिए तरस रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि जब इम्प्लाई, जब ये एग्जीक्यूटिव JTS जो काम कर रहे होते हैं तो 60,000, 70,000, 80,000 तनख्वाह इनकी होती है, लेकिन अगर किसी दुर्घटनावश अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उस दिन उनके घर की आय 80,000 से घट के मात्र 2,500 रुपए रहती है। आज सरकारी संस्थान में काम करने के बावजूद भी आज उनकी विधवाएं, आज उनके बच्चे 2 जून की रोटी के लिए, अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए और एक मेडिकल बेनिफिट के लिए तरस रहे हैं। वो क्यों हो रहा? इसलिए कि जो वायदे भारत सरकार ने जब BSNL बनने के समय किया, उसके बाद सेकंड PRC में 30% सुपरएनुएशन की बेनिफिट हुई, आज तक वो अधूरी है। जो 30% एक एक साथ उनको लागू करना था, 30% सुपरएनुएशन उन्होंने उसमें आज भी 22.5% लगभग कंट्रीब्यूट करते हैं। लगभग 2016 से सैफ पेंशन फंड में 3% और 2017 से 5% देते हैं। एक ऐसा छोटा इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आज अगर कोई भी इम्प्लाई किसी भी हादसे का शिकार हो जाता है तो उसका जो पेंशन बनता है वो मात्र 2,500 रुपए बनता है। अब आप ये आपको जस्टिफाई करना है, ये आपको देखना है कि कोई परिवार 2,500 रुपए में क्या चल सकता है। हम आज उन मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं, उन साथियों के लिए बैठे हुए जो गुजर गए, जिनकी बात आए, जिनकी विधवाएं वहां बैठी हैं घर में, जिनको कोई सपोर्ट नहीं हो, आज हम उनके लिए बैठे हैं। आज हम उन नौजवानों के लिए बैठे हैं जिन नौजवानों को एक करार देकर के BSNL मैनेजमेंट यहां लेके आया, लेकिन आज भी स्टैंडर्ड स्केल PE2 उन JTOJO को देने में नाकाम रहा है। पिछले 15 वर्षों से कितनी सारी लड़ाई के बाद भी, कितने सारे वायदे के बाद भी, कितने सारे एश्योरेंस के बाद भी, आज भी वो एश्योरेंस हॉलो एश्योरेंस के रूप में जाने जाते हैं और आज भी आज हमको यहाँ पे जमा होना पड़ता है। आज हम इस माध्यम से ये मैनेजमेंट को कहना चाहते हैं कि जो अत्याचार है, ये जो इंडस्ट्री से जो डिग्रेशन है, ये जो आपका लचीला रुख है और डिनायल की प्रवृत्ति जो है, आपको उस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। अगर आज इस प्रवृत्ति को आप नहीं बदलते हैं तो यकीन मानिए जो हमने मुहिम कल स्टार्ट की है ये मुहिम रुकने वाली नहीं है। आज हो सकता है यहाँ पे 600, 700, 800 लोग दिख रहे हो, लेकिन मैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे मीडियम के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हजारों हजार की संख्या में लोग पूरे देश में इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, अपने आप को ऑफिस के बाहर रखे हुए हैं और इस लड़ाई में कांधे से कांधा मिला करके एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अगर मैनेजमेंट अभी भी नहीं जानता है, मैनेजमेंट अभी भी नहीं समझता है, अगर मैनेजमेंट अभी भी इन चीजों को कॉन्फिडेंस नहीं लेता है, तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है कि जब 10,000 लोग इसी मंच के नीचे बैठेंगे और तब इस मैनेजमेंट को यहां आकर के बात करनी पड़ेगी। आज हमारे कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोगों को 5 इंक्रीमेंट दे दिया, कुछ लोगों को 2 इंक्रीमेंट दे दिया। आज मैं इस मंच के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं इस मैनेजमेंट से कि सभी लोगों को E1+5 जो प्रक्रिया आपने कुछ लोगों को एक इंटरिम रिलीफ दिया था, सारे लोगों को इमीडिएट बेसिस पर, जो सिर्फ एक सिग्नेचर से BSNL बोर्ड के अंदर के डिसीजन से हो सकता है, सारे लोग जो 2007 से लेकर 2020 तक आए, सभी लोगों को कम से कम E1+5 इमीडिएट बेसिस पे एक्सटेंड किया जाए। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैनेजमेंट को ये बताना चाहता हूँ, हम लोग रुकने वाले नहीं है, हम इस बार एश्योरेंस लेके नहीं जाएंगे, हम इस बार फर्म एक्शन देखने आए हैं, क्योंकि हमने 2008 में भी, 9 में भी, 13 में भी, 14 में भी, 17 में भी और 19 में भी, हम हर उस समय आपके पास अपना कॉल दिया और आपके एश्योरेंस पे लौटे, लेकिन इस बार हम आए हैं कि हम लेकर ही जाएंगे और नहीं जाएंगे तो यहाँ मर कर जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। फ्रेंड्स, बार बार मैनेजमेंट हमको एक बात समझाता है, राइट नाउ वी आर इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, BSNL एक बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। हम मानते हैं इस बात को कि बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन इस बुरी स्थिति में BSNL को पहुंचाया किसने?
क्या एग्जीक्यूटिव ने, क्या एम्प्लॉयज ने, या यहाँ के प्रबंधन ने? प्रबंधन ने नीति का निर्धारण क्या एग्जीक्यूटिव करता है, क्या एम्प्लॉयज करता है? तो इन नीतियों का निर्धारण ऐसा क्यों हुआ कि आज बीएसएनएल को एक रिवाइवल पैकेज के बाद भी दूसरे रिवाइवल पैकेज की जरूरत पड़ रही है? ऐसा क्यों, क्यों बीएसएनएल को फिर से एक रिवाइवल पैकेज मांगना पड़ रहा है? क्यों ऐसी नीतियां निर्धारित की गई? और नीतियां निर्धारित की गई, अच्छी नीतियां निर्धारित करी होंगी, मैं भी मानता हूं इस चीज को, तो उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया? Why they were not implemented in its true spirit? Why we are again knocking the doors of the government of India and asking for again one more package? Yes, it should be given because there are certain constraints जिसकी वजह से BSNL एक disadvantageous position में है और उसके लिए package की जरूरत होती है. Package दर package देना पड़ेगा सरकार को, कोई doubt नहीं है उसमें, और मांगना भी पड़ेगा. लेकिन उस package को लेने के बाद जो नीतियां आप निर्धारित करते हैं उन नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वयन में भी आपको लाना पड़ेगा, सही प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और एक साफ दिल से ओपन हार्ट के साथ आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी रिवाइवल सर्वाइवल में बीएसएनएल के तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि बीएसएनएल का जो लहू है, बीएसएनएल का जो खून है, बीएसएनएल जिनके रगों में दौड़ता है, उन लोगों की आप सुध नहीं लेते. A discontent employee can never take any organization at the peak. Only an employee who is content, who can understand that yes, my management is thinking for me, they can only take BSNL to the greatest height. And for that, it is required कि ये जितने भी मांगे यहाँ पर रखी गई हैं, जितने भी मांगे यहाँ पे हैं, ये सारे के सारे आज के मुद्दे नहीं हैं. They have been pending for since ever since BSNL has come into existence. And now it's high time that along with all revival packages, we need to take the care of HR. We have to consider HR is a resource. Ab resource agar hai, to usme aapko invest karna padega. Tabhi aap return on investment ki soch sakte hain. Otherwise, everything will go waste. And that needs to understand by government of India also. They can concentrate, or they are concentrating on operational issues. They are concentrating on planning issues. But they are not concentrating on the main issue, which will take BSNL from its current position to the highest position. That is HR. It's we, the employees, who create the organization. And we need to think over this. We need to ponder over this. And management needs to understand this fact. Or agar wo samajhti hai, toh theek hai. Nahi samajhti toh hum yahan baithe hue hain. Tab tak, jab tak ki unko samajh mein nahi aaye ki inke bina BSNL ka guzara nahi hai. Thank you, dosto. जिंदाबाद My dear friends and my dear management, we are doing dharna here since yesterday for our rights, and there is no single demand here. Did you understand, my dear members and my dear management? Are you able to listen? These are our rights, not a demands. Pay is our right. Pension is our right. Promotion is our right. And profitability also our right. Four P's: pay, pension, promotion, and profitability. That is 4G and BSNL services. So, my dear friends and management, whenever MTNL is able to extend a little scale, why not in BSNL? Did you understand, my dear members and management? Whenever pension is extended to all the government and BSNL, all recruited with a special pension fund, why not in BSNL? Why not in BSNL? Everybody should ask, because that is our right. And promotions, how many years we have to be like this without promotion? We have to ask for our right. Promotion, whenever you have seen other PSUs or government,
at least 3 to 5 years you are able to get the promotion. But in BSNL, 20 years, 22 years, in civil electrical, 25 years also completed. It is not shame on you, management. Are you able to listen? Are you able to understand, my dear management? Because of you only, the executives, the engineers, account officers, the professionals qualified executives are here. Otherwise, we have to be in office and we have to extend our services. Because of you only we came here, not the association. We don't want to show any strength, my dear friends and my dear management. We want our rights to be resolved right now. That is why you are here, but not to show any strength. So that is why I am requesting all the members, kindly join, because the management till now not called. Why it is not called, I don't know. I also attended many meetings with the management, and management is telling something and doing something. This is very, very, very careless management and irresponsible management I have never seen. In the district I have seen in circle, but I have never seen this type of management. I never across experienced this type of management, really. It's a shame, really shame. Because whenever you are telling, you have to do. You are unable to do, you have to inform. There is no information to us. There is no discussion with us. And they are taking the decision unilaterally. Are you going to accept? No! Are you going to accept? No! We are not going to accept any unilateral decisions on us. So that is why I am requesting all of you, please join. Because we are working, we are fighting for our pay, pension and promotion and profitability. For this, the change organization India has come forward and told us that, yes, we are with you. The other organization which is not belongs to our BSNL came and told that we are with you. Why not our members? Why not our executives? Why not our management is not there? Tell me, why not they are not telling? Why are not they are doing? So they have to come forward and they have to participate in this dharna, and the management have to resolve our issues. That is why I'm requesting once again members to join. And once again I'm requesting the management, please come and discuss with us and resolve. And also we will meet and make our honorable ministries and honorable MPs, and they also feel, are if DI is merging, if DI is adding, you are getting more salary. But after revising, you are not getting less salary, you are getting less salary. Where it is this role? Only BSNL is having this type of policy. Whenever you are having the PRC, you will get more salary. After implementing the PRC, you are getting the salary. Means everybody is shocking here. Why the management is unable to understand? Why the members are unable to understand? Why you are sitting ideally in the offices? You have to come out from the manager offices and stay in the Delhi until we get the resolution of the issues, my dear friends. And pay scales 22 years are running. Till now you are unable to resolve. My dear management, you are unable to resolve. Please resign. Please resign. We don't want like this management. Because you have taken 22 years. If something has gone wrong with our executives, you are issuing the charge sheet. You are issuing the memos. What we have to do? Because you are not resolving the issues since 22 years. Pension you have not resolved. Pay issue you are not resolving. And the promotions also you are not resolving. Then what we have to do? So my dear management, kindly resolve at the earliest. And the members also, kindly come and join until we get resolutions. If it is not done, we are going to do more resolutions. Even we are not afraid to do hunger fast. We are not going to afraid to hunger fast and to death also. Yes, we are not going to afraid. We are going to do launch hunger fast. We are going to launch, if it is not resolved, hunger fast on to death. Up till that, we will be here.
I am the last person we are going to from the we are going to leave this month. You are going to leave this place. Thank you. Kindly come and join with us. जीना है तो मन्ना सीखो थैंक यू वेरी मच Thank you, friends. Today, all the engineers and executives of BSNL are gathered here to raise their issues, and across the country, executives have been participated here. क्या ज्वाइन करना है? बिल्कुल ज्वाइन करना. It is very widely accepted that the human resource is the biggest resource. कोई बदमाशी करेगा फिर? ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट रिसोर्स माना जाता है ये नाइदर मल्टीनेशनल्स आइदर इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्टेड दिस वाइट ट्रुथ दैट द ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट रिसोर्स एंड टू प्रिजर्व दिस रिसोर्स देयर इज एसेंशियल नीड टू प्रिजर्व दिस रिसोर्स एंड हाउ टू नर्चर दिस रिसोर्स and how to utilize that resource in growing of the entire organization, even entire globe. And all the companies, all the multinationals, all the organizations accepted this truth. And even many of our friends working in multinationals in outside India and within India, they are saying that there is a complete policy in their companies that whenever there is any employee under stress, there is a complete mechanism of the stress redressal system and how to remove that redress, how to redress that stress, and that is a complete system there. But in BSNL, thousands of executives are shouting here, thousands of BSNL executives gathered here to raise their concerns, to raise their voices, but this BSNL management never care their human resource. They are never caring their human resource, but how to utilize this resource in the productivity of the organization. This is the reality of this damaging system of this BSNL management, that they are treating their human resource as a wastage of money. Every time BSNL management believes that they have nothing to do for their human resource, even Government of India is also having certain guidelines that there should be a complete policy in every public sector organization to redress the grievance of any employee. Even a single employee raise their grievance, there should be a complete mechanism to address that grievance. But here in BSNL management, is bound to win a prize in the worst management across the globe. This is the worst management. They have no care about their employees, they have no care about their executive, they have no care about their issues. Since last 20 years, BSNL recruited employees are facing for their pay, pension and promotion issues. For the pay, they are struggling continuously from last 15 to 20 years for the implementation of standard pay scales notified by the Department of Public Enterprises. But still, BSNL management is adamant to not solve that anomaly. For the pensionary benefits of the BSNL recruited employees, there is a clear cut definition in the Rule 37A in the Gazette notification of the BSNL formation absorption process that there should be a separate mechanism for the pensionary benefits of the BSNL on recruit, and even after that, in second PRC recommendation, public PRC committee has clearly mentioned that there should be 30% of the superannuation benefits. But even after the
15 years of this 2009 of the PRC recommendation, BSNL management, nothing has done in that direction to fulfill that 12%, 30% superannuation benefit. And in promotions, BSNL management completely failed. Even in 20 years, BSNL management has provided only one promotion to its executive and it is badly delayed. And if timely promotion is not being given to any employee, their energy never been the channelized. And for the channelization of that whole energy process of the organization, there is a need to address the timely promotions to every executive. And in all these three parameters, BSNL management is completely failed. So all the executives of the BSNL have decided to raise their voice against this disastrous management, against this damaging management, against this complete damagement of the whole policies, whole career prospects of the BSNL executives. So across the country, from all the circles, BSNL executives are gathered here at BSNL corporate office, but BSNL corporate office, human resource authority, even chairman and managing director, all board of directors are completely adamant that we have not to listen them, we have not to care them, and they have shut their doors, corporate office doors are closed for us, even their hearts are closed for us. They have to listen us, they have to act for our concerns, and we all are determined here that we will never go from here until our concerns, they are not bound to listen our concerns, they are not bound to listen our grievances, and entire executive fraternity is here determined to fulfill this goal. And this board should have to accept our all the demands and should have to act accordingly. This is our high determination, and entire BSNL executive fraternity of the 25,000 executives are fully determined to accomplish this thing. Thank you very much. चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, BSNL मैनेजमेंट मुर्दाबाद, BSNL मैनेजमेंट मुर्दाबाद, आवाज यूनिटी जिंदाबाद, आवाज यूनिटी जिंदाबाद, BSNL मैनेजमेंट होश में आओ, BSNL मैनेजमेंट होश में आओ, लोग जिंदा जिंदाबाद, अब मैं आज इस मंच के माध्यम से जो भी हमारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद देता हूँ, और सबसे ज्यादा आज जो दूसरी संस्था आके इस मुहिम से जुड़ रही है जिसमें change.org इंडिया एक अग्रणी भूमिका में है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस मंच के माध्यम से अपने संस्था की तरफ से AIGT ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन जो कि एक रिकॉग्नाइज एसोसिएशन है, सभी स्टाफ और एग्जीक्यूटिव के इश्यूज को BSNL मैनेजमेंट के सामने लाने के लिए मैं आज उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मैं change.org को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उनका सहयोग इसी तरह हमें मिलता रहेगा। जिस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े हैं हम उनके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं, उम्मीद है वो भी हमारे साथ कांधा से कांधा मिला के खड़े होंगे, और इन सारे हजारों हजार की संख्या में जो लोग इंडस्ट्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उस आवाज को सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, हमारे राकेश जी, मैं सिर्फ राकेश, और मैं कहता था थोड़ा सा कुछ मैं कहना चाह रहा था। अभी हमने एक पिटीशन चालू किया था, एंड पिटीशन चालू करने का पहले मैं मकसद बता देता हूँ। हमारे मैनेजमेंट पिछले 22 सालों से वी आर BSNL रिक्रूट, और BSNL रिक्रूट और DOT रिक्रूट में एक बहुत बड़ा फर्क है, वी आर हैविंग पेंशन, वी आर नॉट हैविंग पेंशन। हम क्या कर रहे हैं अपने, अभी यू नो दैट GTI GHI ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, उसका सारा पैसा हम अपने पॉकेट से दे रहे हैं। मैनेजमेंट इतना बेशर्म है
दे आर नॉट एट ऑल गिविंग इट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। आप देख लीजिए हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो सबका 30% है उससे कहीं ज्यादा वी आर ऑलरेडी पेइंग थ्रू आवर ओन पॉकेट। हम अपने पॉकेट से खर्चा करते जा रहे हैं एंड इवन दोस यू पीपल हु आर रिक्रूटेड हम कहते हैं कि इवन प्लस फाइव यू जस्ट इमेजिन इवन इवन प्लस फाइव भी मिल जाएगा दैट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड पेएबल बट स्टिल वी आर आस्किंग फॉर दैट बिकॉज दैट इज फेयर मिनिमम। हमको कुछ मिनिमम तो देना पड़ेगा एंड दैट फेयर मिनिमम इज इवन प्लस फाइव। टॉकिंग अबाउट 22820 यू सी दैट डिमांड इज 15 ईयर ओल्ड 15 साल पुराना डिमांड है। 7-8 बैच को ले लिया उनको बोला कि नहीं सर हम आपको अपग्रेड करके रखेंगे अपग्रेड करके रखेंगे नहीं किया दे हैव बीन डाउनग्रेडेड वी आर कम्प्लीटली हम कंपल्सन में है एज ए बॉन्डेड लेबर हम बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहे हैं इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टेलीकॉम कंपनी। हम एक टाइम से कहते थे वर्ल्ड बिगेस्ट नेटवर्क बनाना हमारा एम है देन वी वेंट टू एशिया यू जस्ट इमेजिन हाउ वी आर स्ट्रेंथनिंग आवरसेल्फ जस्ट बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एन एचआर आवर एचआर इज इन आईसीयू दैट इज अ फैक्ट एंड वी शुड कीप दैट नैरेटिव एचआर आईसीयू से बाहर निकले। वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट वेरी इंपॉर्टेंट हम कहते हैं सब कुछ लेकिन एचआर से कुछ नहीं होता है बिकॉज एट द एचआर वी आर नॉट हैविंग कॉम्पिटेंट पीपल उसके ऊपर कोई एक्शन आज तक कुछ हुआ है सो वी नीड टू डू दैट ऑल्सो एचआर में कम से कम ऐसे लोग बिठाओ हु कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम द मार्केट हाउ मच वैल्यूएबल वी आर आवर रिसोर्स इज नॉट बीन मैनेज प्रॉपरली वी आर कंप्लीटली एट लॉस दैट ऑल व्हाट आई वांटेड टू से थैंक यू।